गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपने कीबोर्ड के बारे में। हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो लेक्चर में कीबोर्ड के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में केवल कीबोर्ड जाना था, कीबोर्ड देखा था, उसके कीज देखे थे। आज हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तो कीबोर्ड के जो कीज होते हैं उन बटन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, और उन बटन को हम याद करके उसका नाम रखेंगे। क्लियर? तो जो कीबोर्ड है थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करते हैं। जो कीबोर्ड है क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये डिवाइस हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं किसमें, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर? तुम्हारा कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर? ओके। और एक नॉर्मल कीबोर्ड पे कितने कीज होते हैं, वन हंड्रेड फोर टू वन हंड्रेड सिक्स कीज होते हैं। हमने बताया था ना आपको क्लास में कि 104 टू 106 कीज एक नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं। क्लियर? तो हम चलते हैं कीबोर्ड पे और देखते हैं कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं उन कीज को हम किस किस नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके, हम चलते हैं। आपकी लिखी स्क्रीन पे कीबोर्ड के पिक्चर आ रहे होंगे, आ गए ना? आ गए? ओके। हमने बताया था आपको कि जो F1 से लेके और F12 तक की होते हैं, क्या होते हैं, F1 टू F12, F1 टू F12, उनको हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की, जिसकी स्पेलिंग होती है FUNCTION, फंक्शन कीज बोलते हैं। क्लियर? ओके। हमने बताया था आपको जो सबसे लंबी कीज होती है, जो सबसे लंबी कीज होती है जिसपे कुछ नाम नहीं लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस बार की। क्या बोलते हैं? स्पेस बार की। क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने कीबोर्ड में देखा है ना, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड, जिसकी स्पेलिंग होती है NUMERIC, न्यूमेरिक कीपैड, KEYPAD, न्यूमेरिक कीपैड। क्लियर? ओके। अब आते हैं चार एरो की होते हैं। देखिए ना, अपने कीबोर्ड में चार एरो की होते हैं, तो इन एरो की को हम अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? ओके। अब आते हैं एक इंटर की। इंटर की देखिए हो ना, जब भी हमको लाइन चेंज करना होता है या पैराग्राफ चेंज करना होता है तो हम किसका किसकी का प्रयोग करते हैं, इंटर की का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उसके बाद शिफ्ट की है, अल्टर की के जस्ट बगल में शिफ्ट की होता है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद कंट्रोल की होता है, ठीक है। तो इस सब की का हम नाम याद कर लेंगे, CONTROL, कंट्रोल, SHIFT, शिफ्ट की, ALT, अल्ट की, ठीक है। इसको हम अल्टर की बोलते हैं, ठीक है। इंटर की, ENTERKEY, इंटर की। और टैब और शिफ्ट, कंट्रोल की और शिफ्ट की के बीच में एक कैप्स लॉक की होता है। हमने बताया था ना, जब आपको लेटर बड़ा करना होता है तो कैप्स लॉक को एक बार ऑन करते हैं, जब लेटर में छोटा लिखना है तो कैप्स लॉक को हम ऑफ कर देते हैं। क्लियर? ओके। तो हम जान गए, अभी इसमें अल्फाबेटिकल की नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। अल्फाबेटिकल की हम कहा किसको कहते हैं, A to Z को, ABCDEFGHIJKLMNOPQ
आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सब 26 लेटर, ए टू जेड में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बेटिक की बोलते हैं। क्लियर? इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। आपके सी पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, हमने बताया था ना इसको बोलते हैं फंक्शन की, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव, क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। क्लियर? एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे और कीबोर्ड का पिक्चर बनाना है, ठीक है? और कीबोर्ड का पिक्चर बना के जैसे इसने की को डिफाइन किया है, कहाँ फंक्शन की है, कहाँ एस्केप की है, कहाँ अल्टर की है, कहाँ विंडोज की है, कहाँ कंट्रोल की है, कहाँ अल्टर की है, ठीक है, कहाँ न्यूमेरिक की है, ठीक है, आपको पिक्चर बना के और इस पे अपलोड करना है। क्लियर? ग्रुप में सेंड नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं करना है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। क्लियर? गुड बाय।